हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। पाइथन प्रोग्रामिंग में आज हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाया जाए। जी हाँ, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, न कि स्क्वायर की। तो आइए इसको देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडीएलई है उसे ओपन कर लेता हूँ। आईडीएलई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट, तो ये ओपन कर लिया। ये पाइथन का होम पेज है, यानी पाइथन की शेल है। यहाँ पर कोडिंग नहीं करना, यहाँ से चलेंगे, न्यू पेज लेंगे और कोडिंग हमें यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि हमें कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट, न कि स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी यूज करनी होगी जो मैथ नाम की होती है। तो आइए देखते हैं उसको कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैथ लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इम्पोर्ट और फिर यहाँ लिखते हैं मैथ, तो ये हो गया। अब एंटर करके नीचे आते हैं। अब एक हम बना लेते हैं नंबर नाम से, तो ये नंबर नाम से एक वेरिएबल हमने बना लिया है और यहाँ पर मैं फ्लोट इसका डेटा टाइप मेंशन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही लेनी है यहाँ पे, यानी यहाँ पे लिखा हुआ हमें देना है एंटर एनी नंबर, ठीक है। तो ये हमने दे दिया और ये देकर के क्या करना है, डबल डॉट कॉमा को क्लोज करना है और दोनों ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ठीक है। अब चूंकि हमको स्क्वायर रूट ही कैलकुलेट करना है तो SQT नाम से बना रहा हूँ एक वेरिएबल, और यहाँ पर मैथ जो लाइब्रेरी ली थी हमने उसको यहाँ पे लगाता हूँ। डॉट SQRT करूंगा, SQRT फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो है फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर नाम से वेरिएबल हमने बनाया था वो यहाँ पे दे देना है। तो ये हमने दे दिया इस तरीके से और इसको दे करके एंटर करेंगे और बस अब हमें प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। तो प्रिंट करवाते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट PRINT प्रिंट और यहां पे कर देता हूं द स्क्वायर रूट इज, ये लिख दिया। अब चूंकि जाके किस में स्टोर होगा तो वो चीज जो है हमें यहां पे देनी है, ठीक है। तो यहां पर ये स्क्वायर रूट जो है जाके स्टोर होगा जो हमने बनाया है SQT में, तो SQT यहां पे दे देते हैं और इसको बंद करते हैं। अब बारी है इसे चलाने की और देखते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो F5 करते हैं, एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद इसे SQRT नाम से सेव करता हूँ .py, तो ऑटोमेटिक लग ही जाएगा नीचे, आप देख सकते हैं। एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कराएंगे तो अब यहाँ पे कह रहा है एंटर एनी नंबर। तो 2 का स्क्वायर रूट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1.414 ऐसे करके कुछ आता है, और अगर हम बात करें 3 के स्क्वायर रूट की तो यहाँ पे 3 करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.7, यानी बिल्कुल करेक्ट आउटपुट हमारा आ रहा है, बिल्कुल सही प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरी बात क्लियर हुई होगी कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम आपको किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।